अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंडियस टेस्ट गाइड की तरफ से आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं VEDIOS के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जो NTS इसको तकरीबन इसमें 30 क्वेश्चन से इंक्लूड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो फास्ट पेपर है, आई थिंक 2019 मुझे दिख रहा है, तो ये जो पेपर है इससे चंद क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 71 है, IOC स्टैंड फॉर। IOC गेम किस चीज की इब्रिविएटेड फॉर्म है? तो आप ऑप्शन ए कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन बी कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कंट्रीज, ऑप्शन सी इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो IOC इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की नेशनल कौमी गेम गेम या खेल कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी हॉकी, पाकिस्तान की कौमी खेल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन वॉज एस्टेब्लिश इन, जो इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन होता है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया है? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है 17 जुलाई 1912 को। तो ऑप्शन ए है 1896, 1900, 1912। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है 1912। ये 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन, जो इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, ये 1912 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, द टीम राउंड रोबिन इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच टर्म, ये जो टर्म राउंड रोबिन है इसको डिराइव्ड किया गया फ्रेंच टर्म रोबन से। राउंड रोबन एक गेम होता है जो सर्कल फॉर्म में होता है, और इसमें जो जितनी भी कंटेस्टर होते हैं, जितनी भी प्लेयर्स होते हैं, वो हर एक कंटेस्ट के साथ इसका जो मुकाबला होता है उसके साथ होता है। तो इसमें हर कंटेस्ट इसमें शरीक होता है और ये मध्य मुकाबले होते हैं। तो ये एक ऐसा गेम होता है, और इसमें ये रोबन जो है ये फ्रेंच वर्ड रोबन से लिया हुआ है। तो इसके ड्राइवर के गेम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ये है? तो ऑप्शन ए है रेबन, राउंड एंड रेबन रैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ये है रेबन। और ये रेबन क्या होता है? रेबन ये आपने अक्सर जब आप गिफ्ट तैयार कर रहे हैं तो इसमें हम एक किस्म की रिबन, एक कपड़ा होता है, एक डेकोरेटेड पट्टी होते हैं जो एक्चुअली हम इसको डेकोरेट करते हैं, इसको हम कहते हैं रेबन। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन वॉज फाउंड इन, पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन जो है इसको कब फाउंड किया गया था? तो एक्चुअली इसको फाउंड किया गया था 1911 को। ऑप्शन ए है 10, 11, 12, 13। तो इसको फाउंड किया गया था 1911 को, जबकि एक्चुअली 1911 में तो पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंट कंट्री बना नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि ये जो एसोसिएशन है ये एस्टेब्लिश हुआ 1911 में, जब बरसगीर या हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान इंडिया दोनों एक कंट्री थी, तो ये इस वक्त इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसको रीऑर्गेनाइज किया था कायदेजम मोहम्मद अली जना ने 29 दिसंबर 1947 को, बाई द रिक्वेस्ट ऑफ फातिमा जन्ना। तो इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था 29 दिसंबर 1947 को, जबकि इस्टेब्लिश किया गया था 1911 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, PBSA स्टैंड फॉर, ये PBSA एक एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो इसको हम ऑप्शन ए कहते हैं पाकिस्तान बॉय स्काउट अकेडमी, ऑप्शन बी है पाकिस्तान बॉय स्काउट एरिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान बॉय स्काउट असिस्टेंट, जबकि ऑप्शन डी है पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, ये पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, ओल्ड नेम ऑफ वॉलीबॉल इज, वॉलीबॉल का ओल्ड नेम क्या है? तो ऑप्शन ए है मेंटोनिट, ऑप्शन बी है नेटबॉल, ऑप्शन सी है वॉली,
जबकि ऑप्शन डी है वोल्यूबाल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मेंटोनीट, ये इसका एक ओल्ड नेम है। जबकि ये जो मेंटोनीट है ये एक्चुअली एक स्टूडेंट था जिसका नाम है निस्मित। इन्होंने 1985 को इसको इन्वेंट किया था, जबकि इसके साथ ये स्टूडेंट ने बास्केटबॉल को 1995 है, जबकि 1991 को उन्होंने बास्केटबॉल को क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। तो स्टूडेंट का नाम है नेस्मित, इसने वॉलीबॉल इसके साथ बास्केटबॉल ये दोनों गेम को इन्वेंट किया था, और वॉलीबॉल को इस वक्त का नाम था मेंटोनीट। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक इज नॉट यूज्ड इन टेनिस। टेनिस में इन नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा स्ट्रोक इस्तेमाल या यूज नहीं होता। तो ऑप्शन ए है द पुट, ऑप्शन बी है द स्मैश, ऑप्शन सी द क्लियर, ऑप्शन डी द ड्रॉप। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है द पुट, ये जो स्ट्रोक है ये एक्चुअली टेनिस में यूज नहीं होता। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्मैश क्लियर ड्रॉप ये तीनों इसमें यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, अ फुटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ वन गोलकीपर, फाइव फॉरवर्ड, थ्री हाफ बैक एंड टू। फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं जिसमें एक गोलकीपर होता है, इसके साथ फाइव फॉरवर्ड होते हैं और थ्री हाफ बैकर होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो टू रह गए हैं ये क्वार्टर बैक्स नहीं है, गॉड नहीं है, वेंग्स नहीं है, ये ऑप्शन डी है फुल बैक, इसको हम कहते हैं फुल बैक, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, इन अ रैली रेस द एरिया इन विच यू पास द बैटन टू योर टीम मेट इज कॉल्ड द। ये क्वेश्चन इस तरह है कि आपने अक्सर अ रैली रेस को देखा होगा, इसमें अक्सर इस तरह होता है कि जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ एक्सचेंज होता है तो इसको हम इसको कौन सा जोन कहते हैं। तो ऑप्शन ए कहते हैं बैटन जोन, ऑप्शन बी है रनिंग जोन, ऑप्शन सी है स्टिक जोन, जबकि ऑप्शन डी है चेंजिंग जोन। तो इसको ऑप्शन कहते हैं चेंजिंग जोन, जबकि बैटन जोन जहाँ से ये एक स्टिक के पाम में लड़की होता है जिसको जिससे यहाँ स्टार्ट जहाँ से ये रन स्टार्ट होता है बैटन जोन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, इन अ प्लान द माउथ टू माउथ टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन टू इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन, द फर्स्ट एडर शुड ब्लू ईयर इन टू द विक्टिम एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली टाइम्स पर मिनट। ये आई थिंक ये आर्टिफिशियल इंस्पायरेशन एक टेक्निक होता है जिसको माउथ टू माउथ इंस्पायरेशन देते हैं इन्फेंट और स्मॉल चिल्ड्रन को ताकि फर्स्ट एड इसको मिल जाए। तो इसके लिए ये जो ईयर को ब्लू करता है इसके चेस्ट के अंदर की तरफ, तो इसके खास रेट होते हैं। तो ऑप्शन ए कहते हैं 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 35। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये होता है 12। ये पीएटी की येलो पेपर 2018 का है, तो ये एक्चुअली पीएटी की पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।